ज्ञानवापी मस्जिद विवाद की चर्चा में एक शब्द का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है, 7-11, 7-11। आज तक से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले की सुनवाई वाराणसी की जिला अदालत में शुरू हुई। जिला अदालत को कहा गया कि पहले याचिका की सुनवाई योग्य होने पर फैसला करें, यानी पहले सुनवाई इस मुद्दे पर हो कि हिंदू पक्षकारों की याचिका सुनवाई योग्य है भी या नहीं। सुनवाई का मुख्य आधार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ साथ सिविल प्रोसीजर कोड यानी CPC का आदेश 7-11 है। यहीं से निकला है 7-11। पहले पता करते हैं कि क्या है 7-11 का पूरा मतलब। संजय शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार CPC यानी सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश 7-11 यानी 7-11 के तहत अदालत किसी वाद या मुकदमे को सुनने से अस्वीकार कर सकती है अगर वो इन पैमानों पर खरा ना उतरे। पैमाने क्या है वो भी जान लीजिए। पहला, जहां अर्जी में कॉज ऑफ एक्शन यानी कार्रवाई करने का कोई कारण नहीं दिखाया या बताया गया हो। दूसरा, जहां विवाद के दस्तावेजों पर अपर्याप्त धनराशि की स्टैंप लगी हो। साथ ही अदालत की ओर से तय मोहलत के अंदर जरूरी स्टैंप लगाने के आदेश के बावजूद वादी ऐसे करने में विफल रहे। तीसरा, जहां वाद पत्र में दिया गया कोई बयान किसी कानून से निषिद्ध यानी सुनवाई से वर्जित लग रहा हो। चौथा, जहां इसे डुप्लीकेट में दाखिल नहीं किया गया हो। अगला, जहां वादी नियम 9 के प्रावधान का पालन करने में विफल रहे। मुस्लिम पक्ष की क्या राय है वो भी जानते हैं। मामले में मुस्लिम पक्ष कर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका साल 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सुनवाई के लिए वर्जित है, इसीलिए ये CPC आदेश 7-11 के प्रावधान के तहत आता है, जिसमें कहा गया है कि जहां वाद पत्र में दिया गया कोई बयान किसी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है उसे अदालत अस्वीकार करेगी। हिंदू पक्ष की क्या राय है वो भी जान लेते हैं। हिंदू पक्षकारों का कहना है कि वहां 15 अगस्त 1947 से पहले और बाद तक लगातार देवी श्रृंगार गौरी की पूजा अर्चना होती रही है, लिहाजा उनका सूट ऑर्डर 7-11 के प्रावधान 4 की परिधि से बाहर और ऊपर है। यानी कोर्ट इस पर न केवल सुनवाई कर सकता है बल्कि उनको दावे के मुताबिक न्याय कर उनका अधिकार भी दिला सकता है। ये सारी जानकारी एकत्रित कर आपके लिए लिखी थी हमारे साथी ज्योति ने। कैमरा के पीछे हैं जतिन, मैं हूँ आस्था। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौंका हल्का काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लन टॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।